नमस्कार देवांजलि कुकिंग चैनल को आपण मानक स्वागत करुच्चे। सांग मैंने आज आम गोटे नॉनवेज रेसिपी बनवा आज आम बनवा चिंगुड़ी मसाला। सांग मैंने मु बहुत सहज उपाय रे चिंगुड़ी मसालाटा करी निहाती आपण ट्राए करेंगे ए भाया बनवा आउ बहुत कम समय आपण या बनई खाईपारे। तेज चलत आरंभ करवा स्वादिष्ट रेसीपी को। सांग मैंने चिंगुड़ी मु आउ गोटे चिंगुड़ी फ्राए रेसीपी सेयार कर सारी आपण मैंने वीडियो सेक्शन को जाकि देखिपारे से रेसीपी तेज चलत आरंभ करवा स्वादिष्ट रेसीपी को। भिडियोटी लास्ट पर्यंत देखु। एवं आम कढ़ई को गरम करकेद गोटे चामच धनिया गोटा धनिया नहीं देखु एम दुई चार पीस काजू देद एबेद अध चामच जीरा एबेद दुई पीस डालचीनी देद बहुत बढ़िया फ्लेवर आसी था तरकारी रे गरम मसला देले यू अल्प समय भाजी नवा प्रथम फ्लेम को पूरा लो करके ही भाजबे। एवं आम एद अल्प टिके गोलमरीच एबेद अल्प टिके गुजराती छोट गुजराती चार पाँचटा पकईबे गरम मसला देले बढ़िया लगी था एबेद लवंग दुई चार पीस अल्प समय भाजी नवा पूरा लो फ्लेम रे ही भाजबे मसलाटा भल लगे। एवं कि समय भाजिकी या थंडा करके ग्राइंड कर नवा चलतु एवं चिंगुड़ी को मेरीनेट कर नवा चिंगुड़ी रे एबे अध फाड़ लेंबू रस एवं आम एद अध चामच हलदी गुंड एवं आम एद गोटे चामच लंका गुंड निज टेस्ट अनुसार आप कम बेसी करें एवं देद स्वाद अनुसार लुण एवं आम देद गोटे चामच कॉर्नफ्लोर गोटे चामच बेसन देद बेसी बेसी देदेवे ना चिंगुड़ी ऊपर मोटा बेटर लग जा भल लगे से गोटे गोटे चामच ही देवे निज परिमाण अनुसार आप कम बेसी करें या भल भाव मिक्स कर नवा जमारू पा देवेनि चिंगुड़ी में अल्प टिके पा एमती धोईदेला बेले थाए से ही आम यू रेस्ट नापी दस मिनिट पर छाड़ीद मेरीनेट कर चलत एवं तेल गरम करके छाणी नवा देखो भल भाव तेल को गरम करके ही छाणी सबको जीक धरोच सेदे आपण फ्लेम को मीडियम रखिए मीडियम फ्लेम रे ही छाणी या अल्प टिके तलपटे हो गले धीरे धीरे उल्टईदे सांगे सांगे उल्टईबे तलपटे सीझापी देवे भल भाव भाजी हेले ही जाणी उल्टईबे ना तले लाखिज कढ़ईरे कि समय पर नाली पड़गले देखु एभलिया हेले आपण या तेल कढ़ईर काढ़ी ने जी चिंगुड़ी अच्छी छाणिकी सैड रखा चलत एवं मसला प्रस्तुत करवा आम कढ़ई में आहरी गोटे चामच तेल गरम कर ना सांग मैंने सोरस तेल यूज करुच्छी आपण जो तेल अच्छे आपारे एवं आम तेल दुईटी तेजपत्र कटा पिज देदे एधिका टी पिज पकईबे बहुत बढ़िया लगे पिज को ब्राउन हवा पर्यंत भाजी नवा टी नाली देखागले पिजटा आम मसला सहित बढ़िया भाव में मिशि पार पिजटा जिते भल भाव भाजी हम आम तरकारीटा से भल लगे देखो बढ़िया भाव में आम पिजटा भाजी हो जाए आम एदा रसुण पेस्ट दुई चामच देद देखो या जो कंचा स्मेलटा थाए से पलैला पर्यंत भाजी नवा देखु फ्लेम को मीडियम रखि एवं आम एद टमाटो प्यूरी देद कटा टमाटो आपड़ पकई पारे यही सब को भल भाव भाजी नवा देखु टमाटो देखें एद स्वाद अनुसार लुण ध्यान देवे आम चिंगुड़ी देवा समय लुण देचु से हिसाब से आपत लुण पकईबे एवं आम एद अध चामच हलदी गुंड गोटे बड़ चामच देद कश्मीरी लंका गुंड सुंदर कलर आसो आम मसल निहाती काश्मीरी लंका गुंड अल्प टिके पकईबे जदि ना तो स्किप करेंगे एवं यह सब कुछ भल भाव मिक्स कर नवा मसलार तेल छाड़ा पर्यंत एवं आम या भाजी नवा देखु एवं आम जो मसलाटा गुंड कर रखी थे एद भाजिकी मसला करद आपण ये मसला बनईकी स्टोर करके भी रखिपारे जिते बड़े दरकार से पकई पारे देखो आम मसलाटा बढ़िया भाव में भाजी जाइए एवं आम एद अल्प टिके कसूरी मेथी जदि ना तो स्कीपारे दे बहुत बढ़िया लगी था देखु आम मसलाटा बढ़िया भाव में भाजी हो गला एवं आम एद आपड़ चाहिए गरम पापारे थंडा पा दे सांगे सांगे आप फ्लेम को हाई करदे जहाद्वारा कि शीघ्र पाटा ताती पार ना मसलार टेस्टा खराब होता है देखु निज
ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଯଦି ଝୋଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ଅଧିକା ଦେବେ, ନହେଲେ କମ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ଏବେ ଆମେ ପାଣିକୁ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଦେବା, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟା ଆମର ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ବେଶୀ ତଳ ଉପର କରିବେନି, ନହେଲେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିଟା ସିଝି ସାରିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ବେଶୀ ତଳ ଉପର କରିବେନି। ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା କେଚପ୍ ବା ସସ୍, ଟମାଟୋ ସସ୍ ଦେଇଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ, ନିହାତି ପକାଇବେ। କିଛି ସମୟ ଗୋଳେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଗରମ ମସଲା, ଯେଉଁ ଚିକେନ୍ ପାଉଡ଼ର କିମ୍ବା ମଟନ୍ ପାଉଡ଼ର ଅଛି ସେଇଟା ଟିକିଏ ପକାଇବେ। ଏବେ ଦେଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର। ଦେଖିଲେ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ କମ୍ ସମୟରେ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମସଲା। ନିହାତି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେବାଞ୍ଜଳି କୁକିଂ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।